अपने गुरुदेव परमात्मा सावन कृपाल के चरणों में नमस्कार है, जिन्होंने साड़ी आत्मा ते सब दी आत्मा ते इस संसार में आके प्यार दे छिट्टे मारे और अपनी याद का मौका दिता। सानू सब नू पता है, जब कोई भी असी दुनिया दे विच अच्छा कार्यक्रम करते हैं उदों हर किस्म का आप सोचते हैं कि शुभ कर्म किहड़ा है वो करिए ताकि साडा जो कार्य है वह सफल हो जाए। लेकिन संत महात्मा सानू दसदे है कि परमात्मा जद साडे बहुत सारे पुन्ना दा शुभ कर्मा दा सानू इनाम दिंदा है उस वक्त इंसान दा जामा बख्शदा है। इंसान दा जामा सब श्रेणियों तो उत्तम है, उच्चा है और सब दा इस नू सरदार बना के भेजा है। अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सकदारी। कबीर साहब ने कहा सब जूनिया तेरा शिंगार हन, तेरी सेवा वास्ते पैदा कीतियां हन। की पशु की पंछी ये बगैर जरूरत तो पैदा नहीं किए गए, कीड़े मकौड़े आपो अपने थाई सब ये परमात्मा ने लोड़ मुताबक ही बनाए हन और इन्हां दी देखभाल वास्ते वो कहन लगे तैनू भी इस दुनिया दे विच सरदार बना के सब दा भेज दिता है। सानू पता है कि सरदार दियां जो मुल्क दा प्रधानमंत्री है उस दियां बहुत सारियां जिम्मेवारियां भी ज़्यादा हुंदियां हन, इस तरह इस दी जिम्मेवारी भी वड्डी है। वह की है कि जो कम वो जूनियां कर नहीं सकदियां ये कर सकता है, वो है परमात्मा नाल मिलाप करना। क्योंकि इंसान का जामा उत्तम है, अच्छे तो अच्छा है, ये परमात्मा ने एक तोहफा दिता है। अगर असी इस तोहफे तो वह परमात्मा दे तो फायदा उठा के उसकी भगती करके उस दे नाल मिल लेने हैं तो परमात्मा भी साढ़े ते खुश हुंदा है। असी इंसानी जामे विच आउण दा जो मकसद है परपज है वह भी पूरा कर लैने। इस तरह संत कहिंदे है कि जिवें शुभ कर्म करन वास्ते किसी चीज़ नू सफल बनाउण वास्ते असी किसी ना किसी इष्ट दा सहारा लैने हैं तो संत कहिंदे है सब नालों सच्चा और जागदा पुरश संत सतगुरु है। कीता लोड़िए कम सो हर पै आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। संत महात्मा दियां जो साखियां या कहानियां हुंदियां हन वो सुनिया सुनाइयां नहीं हुंदियां, कोई पढ़ पढ़ा के उन्होंने सानू नहीं दस्या हुंदा गा। उन्होंने जो कुछ भी अपनी जिंदगी दे विच खुद कमाया है वो ही साढ़े अगे पेश करन वास्ते आउंदे है, वो एक नमूना पेश करते हैं, वो एक साढ़े वास्ते डेमोस्ट्रेशन देंगे है कि भी अगर तुसी इस तरह करोगे तुसी भी इस मकसद दे विच सफल हो सकते हो। महाराज कृपाल ने कहा सी जो कम एक इंसान कर सकता है उसनु दूसरा भी कर सकता है। तो संतां ने सानू दस्या कि इंसान दे जामे नू सफल बनाउण वास्ते ना तो असी पढ़ पढ़ाई करके ही इन्हू सफल बना सकते हैं, ना किसी बाहर जंगलों पहाड़ों के अंदर छुप के ही असी इस सफल बना सकते हैं, परमात्मा नू पा सकते हैं। वो की है, सब तो पहला ऐसे महात्मा की खोज करनी कि जिसने ये पहेली इंसान दे जामे दी आप दी जिंदगी दे विच हल कर ली होवे। मैं कल भी दस्या सी कि संत सतगुरु परमात्मा तक पहुँचने दे सब रहैश दे
ਹੋਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਜਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣ, ਉਹ ਉਸ ਲਗਨ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗੁੰਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੈਂ, ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੈਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭੁੱਲੜ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਤੁੱਲੇ ਘਮਿਆਰ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਕਾਫੀ ਨਿਡਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਦੀ ਤਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਡਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਓ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਜੋਵਨ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਕੰਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀ ਲੰਘੇ, ਸਰਕੜੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਦਾਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਾਗ ਲਾਊਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਗੀ। ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡਾ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਤਕਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਸਭ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਝੱਖੜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਸ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ,
कि वकील दी तरह अंदरों बड़ियां नेक सलाहां दे दिंदा है गुरु मत तो दूर जाण वास्ते। असी इहदी सलाह नूं क्योंकि असी गुरु पीर खसम खसाई अपने मन नूं मनदे हैं। कबीर साहब ने कहा, मन मरीद संसार है, गुरु मरीद कोई साध, जिन ऐसा कर बूझिया तां का मता आगाद। मरीद कहिंदे मुरदे नूं। इह हुण नवाउण वाले की मर्जी है कि मुरदे दे उपर चिक्कड़ पाए या अतर डाले या कूड़ा क्रिकेट डाले या सीधा करके नवाए या पुठा करके नवाए, लेकिन मुरदे का कोई उजर नहीं हुंदा गा क्योंकि वह मर चुकया है। साडे मन दे अगे संत कहिंदे इह हालत है, मन सानू जिधर मर्जी जिहदे नाल मर्जी लड़ावे, जिहदे नाल मर्जी सानू प्यार करन लावे, इहदी मर्जी है भगती करन देवे, इहदी मर्जी है ना करन देवे, असी मन दे अगे मुरदे होए बैठे हैं। मन ही सानू विशे बकारां दे विच फसाउंदा है। तो संत कहिंदे है इह संग्राम जो है रण विच जूझणा, तुलसी साहब कहिंदे घड़ी इक दा ही कम है, जां मर जाणा जां मार देणा, लेकिन यह पूरी जिंदगी का संग्राम है बगैर खंडे और बगैर तलवार तो। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है कि बेशक कितना ही गुरु गोबिंद सिंह ने कह दिता भई सिखी तो खारज किए जाएंगे, सिर्फ दो चार प्रेमी जेड़े कोई बिल्कुल सरदा नहीं सी ओही आए, बाकी संगत दे विच सब ने सोचा ओही संगत दे विच बातां जेड़ियां रोज गुरु करदा है कल नूं सुन लांगे। अगले दिन सारे इकट्ठे होए, सब नूं प्यार नाल कहण लगे, क्यों भी बेटा उस इस्त्री जैसा तां तुहाडे अंदर दिल नहीं सी, हालांकि वह मजाजी इश्क सी। लेकिन संत कहिंदे है कि अस्थूल दुनिया के अंदर भी कोई अस्थूल उदार हुंदा है। वो की उदार है? गुरु का देह स्वरूप। परमार्थ का उड़ा आड़ा देह तो ही शुरू हुंदा है। तो जिस तरह का प्यार इशक सानू अंदर शब्द दे अंदर जुड़ के परमात्मा प्रति जागदा है, इस तरह से जो पहला बाहर इसकी मशक करते हैं तद ही वह परमात्मा अंदर बूहा खोलता है। हजरत बाहू इस प्यार दे विच रंगया होया कहण लग्या, ये तन मेरा चश्मा होवे, ये सारा तन मेरी अख ही बन जावे, मैं उहदे नाल की करा, मुर्शिद देख ना रजा हो, मैं अपने गुरु नूं देख देख के रजा ना, लूं लूं दे मुड लख लख चश्मा, हर एक रोम दे अंदर लख लख अख हो जावे, एक खोला एक कजा हो, एक नूं खोला एक नूं कज लवां बंद कर लवां, इतने डिठिया सबर ना आवे, कहिंदे इतना देखण ना भी मैनूं सबर नहीं गा, होर किते वल भजा हो, कोई होर भी तरीका है जिहदे नाल होर भी मैं ये दर्शन कर लवां मन मोहनी सूरत दे। मुर्शिद दा दीदार बाहू मैनूं लख करोड़ां हजां हो। मुसलमानां दा पवित्र जगह मक्का है, मक्के दे अंदर मुहम्मद साहब दी अंतम यादगार है, कबर है। मुसलमान अकीदे दे मुताबक एक दफा जिंदगी जिहड़ा जाया हुंदा है वो ये कहिंदा है कि बस मेरी भगती पूर्ण हो गई है। लेकिन हजरत बाहू भी मुसलमान जामे विच ही पैदा होए सन, जद अंदर गए वो कहण लगे नहीं, असली हज जो है वो साडे पैरां तो शुरू हुंदा है, ये सिर ते जाके मुकम्मल हुंदा है। इस दियां दो मंजिलां है, एक अखां तक है, एक अखां तो उपर है। जद असी अपने फैले हुए ख्याल नूं सिमरन दे जरिए अखां दे पिछे लिआउने हैं तो साडा जिहड़ा रस्ते दा सफर है वह सारा असी तय कर लिया हुंदा है।
उस सिमरन के जरिए असं इतने पहुँचते हैं। लेकिन जो अगला सफर है वह शब्द के जरिए तय करते हैं, जिन्हों के अपने आप अस कर नहीं सकते थे। वो कोई मददगार ही गुरु ही करवाता है। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं जब तुलसी साहब के नाल संवाद शेख तकीदा होया, वो भी हज करके आया सीगा। उस वक्त उन्होंने खेमे दे अगे, उन्होंने घर दे अगे उन्होंने अपना तंबू लगा लिया। बहुत सारिया बातें हुई, उन्होंने उसनों दसिया कि देख बई गैर मंदिर मस्जिदों में जामे सद अफसोस है। मैनू अफसोस ना कहना पैंदा है, जो असी अपने हाथ पैरां नाल बनाए है इन्हां च हर रोज़ जाने हैं, धूप तखाने हैं, झाड़ू कढ़दे हैं, कोई भैड़ा खोटा कर्म नहीं करते, मीट शराब नहीं खाते पीते। उत्थे सोचते हैं कि साडा अपना बनाया है, इहदी इज्जत करनी सफाई रखनी बड़ी जरूरी है। लेकिन जो खुद परमात्मा ने बनाया है और जिदे विच वो खुद बैठा है, वो दे अंदर कदे मीट पाने हैं, कदे शराब पाने हैं, ते कदे भैड़े खोटे कर्म करते हैं। हुण असी चाहुंदे आ परमात्मा नूं मिलना, तो परमात्मा नूं असी किस तरह मिल सकते हैं? जे परमात्मा नूं मिलना है तो परमात्मा वास्ते जगह की सफाई बाहरले मंदिर नूं भी करोड़ां दर्जे सानूं अंदर करनी पएगी, क्योंकि हर चीज़ दे नियम है। कोई कम करो, मकान बनाओ, उहदे भी नियम है कि किस तरह न्यों बनाउणी है, किस तरह कारीगर नूं लिआउणा है, की मसाले की वरतों है, की लोहे की वरतों है। इस तरह संत महात्मा ने भी नियम बनाए है। सब तो पहला पवित्र जीवन, जिन्ना साडा जीवन पवित्र होएगा, तन पवित्र होएगा, उन्ना मन पवित्र होएगा। जिस वो कहिंदे है कि इहदे अंदर हर प्रकार का जो नशा है ये जिंदगी दे विच इंसान नूं खोखले कर दिंदा है, जीव हत्या निर्दयी बना दिंदा है। गुरु नानक कहिंदे निर्दया नाहीं जोत उजाला। परमात्मा जोत रूप नाद रूप होकर साडे अंदर विराजमान है। कहण लगे उस दे अंदर जोत का विकास ही नहीं हुंदा गा, क्योंकि उहदे अंदर दया नहीं, वह निर्दया है। निर्दया ना ही जोत उजाला। इस वास्ते संत महात्मा दसदे है सब तो पहला पवित्र जीवन, पवित्र ख्याल। हर जीव अंदर परमात्मा नूं समझना कि वह विराजमान है, ये उसे ने बनाया है। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सी, जो लोग ये कहिंदे है कि असी परमात्मा दे नाल प्यार करते हैं, जेड़ा आपदे गमांडी ना प्यार नहीं करता, हमसाए ना प्यार नहीं करता गा, जिन्हों को हर रोज़ देखता है, तो परमात्मा तो देखता ही नहीं गा। उसनों प्यार करन दा ते किस तरह दावा कर सकता है? सिर्फ ढोंग है लोगों नूं खुश करन दा। अज प्रचार दा युग है, हर जगह हर साडा मान योग नेता, कोई समाजिक सुधार वाले या जो साडे धर्म दे पैरोकार है, संप्रदाय चला रहे है, सारे एकता ते जोर दिंदे है। सब एक कहिंदे संतां दे तुसीं सब ने एक दा संदेश दिता है, लेकिन किन्ना केका हो रहा है? जिन्ना ज्यादा प्रचार उन्नी ज्यादा ही भज दौड़ है, दवायत है। उहदी वजह की है कि खुद एकता च नहीं,
महात्मा दसदे एको परमात्मा है। जब तक असी उस परमात्मा दे नाल खुद नहीं मिलते गे, आप एक नहीं होंदे गे, और जीवन भी उस परमात्मा दे नाल नहीं जोड़ते गए, उन्होंने भी एकता का की ज्ञान होएगा भी एकता की है। इस वास्ते संत महात्मा कहते हैं पहले अपने आप को सुधारो, तद ही दूसरों का ठेका जिहड़ा है वह चुको। असीं दुनिया को कहने तुसी सुधरो, तुसी नेक बनो, तुसी कमाई करो, खुद नहीं। अबरह को उपदेश ते मुख में पड़ है रेत, रास बरानी राख ते खाया कर का खेत। दूजियां नूं उपदेश करदे हैं, होरां दे खलवाड़ां दी राखी करदे हैं, अपना आप दा खलवाड़ जिहड़ा है वह बर्बाद हो रहा है, उजड़ रहा है। इस वास्ते गुरु अर्जन देव ने जब दुनिया की ऐसी हालत देखी, ये जिन्नियां भी संतां दीआं बाणियां हन जां लेखनियां हन, ये सिर्फ संत जो अज आउंदे है या गाह नूं आउणा है, ये पेश इस वास्ते करदे आ साडे कि सानू समझ आवे भी इह सानू कोई नवीं बात समझाउण वास्ते नहीं आए। ये पहला ही दर्ज है, अज तक किसी ने मुक्ति प्राप्त कीती ते किसी ना किसी संत सतगुरु दे जरिए ही कीती, और वह संत महात्मा ने सिर्फ अंदर जाण दा ही भेद दस्या। लेकिन एक महात्मा महाराज सावण कहिंदे हुंदे सी, जे दस भी भरम भुलेखे कढ के जांदा है, असी लोग अजीब अकल दे मालक हैं, भी पच्ची भुलेखे भरम होर पा के बैठ जाने हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने किसी जगह नहीं कहा कि तुसी पढ़ के मुक्त होंगे, बल्कि वह जगह जगह कहिंदे हैं पढ़िया शांत ना आवे पुछो ज्ञानिया जाए। वो कहिंदे जे साडे कहे ते तुहानू अतवार नहीं, तुसी भाइयां नूं पंडतां नूं जाके प्यार ना पुछो कि तुहानू शांति है। फिर आप कहिंदे पड़ पड़ गड्डी लदीए पड़ पड़ भरीए साथ, भावें तुसी हवाई जहाज लद दिओ, गड्डियां लद दिओ, भावें तुसी सत्थां भर दिओ, पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते सास, चाहे सारे महीने पढ़ लो, सासा ना पढ़ लो। फिर गुरु नानक साहब कहते नानक कागज लख मणा, संतां ने लिखण लग्या ने कोई कमी नहीं छड़ी, कहते लखा मण तुसी प्रेम प्यार ना पढ़ लो, नानक कागज लख मणा पढ़ पढ़ कीचे पाओ, मसू तोटना आवी लेखण पौन चलाओ, पी तेरी कीमत ना पवे हों केवड़ आखा नाओ। मैं कई दफा कबीर साहब की साखी सुना हुंदा है कि जिस तरह पंडित, क्योंकि ये पढ़े लिखे नूं आदत हुंदी है एक दूसरे नूं जाके बहस वासा करना, इस नूं ही भगती समझते हैं। तो सरबाजीत ना तो उहदा सरबानंद सीगा, पर उसका बहुत सारिआं नूं उसने शास्त्रार्थ दे विच हरा चुकिया सीगा, ते उन्हें सरबजीत नाम रखिया सीगा। उहदी माता किते कांसी अंदर गई, वह कबीर साहब तो नाम लेके आ गई, वो आप दे लड़के दे इस रवैये ते खुश नहीं सन, वो उसनूं बेवकूफ गिणदी सी, उहनूं सदा ही सलाह दिंदी कि देख भी बेटा जो कुछ इन्हां ग्रंथां दे अंदर लिखिया है तू इस नूं समझण दी कोशिश कर, तू दुनिया तां हरा ली अगे ला ली है, अपना नाम सरबानंद तो बदल के सरबजीत भी रख लिया है, सरब नूं जितण वाला, पर जे तू कबीर साहब नूं कदे जित के आवे मैं फिर तैनूं समझा बे वाकई तू शास्त्रास्त्र जाणदा है। उसने बैल उन्हां दिनां विच अज दी तरह ट्रेनां नहीं सन, कारां नहीं सन, हवाई जहाजां दे साधन नहीं सन, बैल ते सवारी सी, तो बैल जिहड़े सी ओह किताबां दे लद ले। पहला जाके कबीर साहब दे घर पुछण लग्या कि की कबीर साहब दा घर इह है, वह खुद तां घरे नहीं सी, उन्हां दी
लड़की कमाली सी घर अंदर, तो बड़ी हैरान जा होके कहन लगी, कबीर दा घर असमान ते यहां सिलहली गैल, पंडित पौना टिके पपील दा पंडित ला दे बैल, के तू कबीर साहब नू इंसान समझदा है, ओदा घर तो सचखंड है, वो समाना ते रहिंदा है, वो बड़ी तिलकनबाजी है उत्थे पहुंचण विच, तू बैल लदी फिरदा है, क्योंकि संत सन दसदे है कि बर्मा विष्णु शिव ये तिन्ने शक्तियां तिन्ने देवते उस परमात्मा दे पैदा किते हुए है, त्रिलोकी तक की रचना का इन्हां दे जुम्मे कारोबार है, इंतजाम है। गुरु नानक ने कहा कि एक है माई जुगत बेआई, तीन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, ओ वेख तिस नजर नाव बहुत आए हो वडान, लेकिन ए पैदा करने वाले का खुद दर्शन नहीं कर सके। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं संतां दा कबीर साहब दा के घर कित्थे है, त्रिलोकी तो उपर है। हुण संतां नूं ज्ञान त्रिलोकी तो उपरला है, लेकिन ये नहीं उन्हां नूं त्रिलोकी तक दा ज्ञान नहीं गा। जो आदमी अमरीका पहुंचेगा कनेडा पहुंचेगा, उन्हूं पिछले जो भी रस्ते दे विच पड़ा आउंदे है, जर्मन आउंदा है, जापान आउंदा है, इंग्लैंड आउंदा है, अरब दे इलाकें भी दी विनंगना पैंदा है, जितने जितने भी आउंदे है वो सब दा उसनूं ज्ञान हुंदा है। इस तरह संत महात्मा नूं उस मालिक दे जो दरबार पहुंचते हैं निचले मंडलों का ज्ञान हुंदा, उत्थों की रुजगार है, की कारगुजारी है। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे हैं कि सब तो पहला ऐसे महात्मा की खोज करो जिसने जिंदगी दे विच, तो जदों कबीर साहब थोड़े जे गल्लां कर रहे सी बाहरों आए, पुछया वो कहिंदा मैं थोड़े नाल शास्त्रार्थ करन वास्ते आया हाँ। वो कहन लगे बई मैं तो अनपढ़ हैं, पढ़िया लिखिया नहीं, जिन्नियां तो किताबां लई फिरदा है, मैं तो पढ़िया तो की इन्नियां कदे देखियां भी नहीं। वो आदा फिर तू ये लिख दे बई मैं सर्वज तो हार गया हैं। वो कहन लगा मैनू लिखना भी नहीं आता, तू लिख ला मैं सही पा दूँ आप भी। उसने लिख लिया कि कबीर साहब सरबन जितों हार गया है, जब घरे जाके खुशी खुशी माता नूं दिखाउण लग्या उत्थे दे उल्ट होया पिया सीगा कि सरबा जित कबीर साहब तो हार गया है। परेशान होया, घर विच आया, फिर वापस गया। उन्हां दिनां विच सफर करना काफ़ी मुश्किल हुंदा सी, तो इस वास्ते फिर हो गया। कहन लगे उन्हां तो एक कोरे कागज ते फिर लिखा लिया आ, जद घरे आवे उस तरह उहदे उल्टी हुंदा सीगा। तीसरी दफा जद फिर गया वो कहन लगे बई कोई नहीं तू लिख लै भी कबीर साहब सरबज तो हार गए है। जब घर गया फिर उल्ट, वो माता नूं कहन लग्या कि देख माता कबीर साहब जादूगर है, वो कहिंदी नहीं बेटा वो जादूगर नहीं, उन्हां अंदर सच्चाई कम करती है, पढ़ाई जो है ये हंकार है, हंकार सच्चाई के उत्ते जित नहीं प्राप्त कर सकता। अगर तू कबीर साहब नू समझना है या हराना है तो उन्हां तो ज्ञान प्राप्त कर,
अंदर जाण दा भेद प्राप्त कर, फिर तैनू समझ आएगी कि कबीर साहब की हन। फिर गया सारा हंकार छड़ के, कुछ दिन कबीर साहब की संगत की, सोबत की। जब कबीर साहब ने साफ देखा तो नाम दे देता, घरे आके अपनी माता का भी धन्यवाद कर लग्या कि तैं मैनू मेरी जिंदगी का जो मसला सी वो कबीर साहब के जरिए हल करा दिता है। मैं दसदा हाँ कि बेशक असी कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना होइए, कितने भी कर्म कांड क्यों ना करते हुए, नेक पाक जीवन भी क्यों ना बतीत करते हुए, लेकिन जब गुरु मिलता है, नाम मिलता है, फिर पता लगता है कि असी गुरु मत्ते हुण है या पहला सी। खुद ही फैसला हो जाता है, किसी के कहने की लोड़ नहीं कि रस्ता हुण साडा सही है या पहला सीगा। तो थोड़े अगे गुरु रामदास जी महाराज का छोटा जा शब्द रखा जाता है, क्योंकि जब साढ़े अंदर तड़प उठती है कि मेरी कोई खोई हुई वस्तु मैं कद मिले, फिर असी उसकी भाल शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपकी जिंदगी का वाकया दसिया, फिर ही साढ़े अंदर खोज पैदा होंगी है। तो कबीर साहब कहते, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कह बदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लिए साथ। अगर वस्तु साड़ी इस ग्राउंड के अंदर गुम है, यदी तलाश आप बाहर सड़क पर जाके करिए, गेट पर करिए, किस तरह भाल सकते हैं। बेशक उत्थे दस बंदे होर भी साथ क्यों ना ला लीए, उत्थे धूफ दिखाउण लग जाइए, संख वजाउण लग जाइए, जो मर्जी उत्थे घड़ियाल वजाउण लग जाइए। तो वस्तु तो जिथे गुम है उतों ही मिलेगी, उत्थे कोई कर्मकांड करन दी भी लोड़ नहीं। तो कबीर साहब कहिंदे, भेदी लिया साथ दिनी वस्त लिखाए, कोट जन्म का पंध सी ते पल में पहुंचा है। भेदी ने दस दिता कि भी वस्तु तेरी इस जगह है। बच्चे स्कूल अंदर जाते हैं, जो टीचर है वो उन्हां अंदर कोई रगड़ के नहीं पाँदा, घोल के नहीं पाँदा, सिर्फ उसकी सोबत करना वो विद्या जाग पैंदी है। जो टीचरां दी सोबत नहीं करता गा वो बेचारा अनपढ़ रह जाता है। वो अपनी जिंदगी सानू पता ही है जैसे अजकल अनपढ़ लोग गुजारते हैं। जो जज है, कोई होर बड़े बड़े अहुदियां ते है, उन्हां नूं तुसीं पुछ लो जाके कि थानू कोई विद्या दी कोई पंड चकाई तुहाडे उस्ताद ने, वो कहणगे नहीं, उन्हां दी सोबत नाल ही असीं आपदी जिंदगी जिहड़ी है वो अच्छी बनाई है। इसे तरह संत मत दे अंदर भी असीं बिल्कुल अनजाण हैं। जैसे बच्चा पहले दिन स्कूल अंदर जाता है, अगर वह टीचर उसे दिन ही कहे कि एम ए पास कर 16 साल लगनगे, इतनिया सारिया किताबा पढ़निया पैणगियां, तो बच्चा घबरा जाएगा कि कद मैं इतने साल लाए, किस तरह मैं इतनिया किताबा पढ़ूंगा। लेकिन नहीं, जिस तरह उहदी काबिलियत वधदी जांदी है उस तरह उसनूं किताबा लगदियां जांदियां हन। टीचर आपकी होर लियाकत उत्ते लाते जाते हैं। एक दिन बच्चा सारिया क्लासा पास करके एम ए हो जाता है। इस तरह संत भी जो असी जाने हैं उन्होंने पास, वो साढ़े अंदर वो परमात्मा जोत रूप नाद रूप होकर विराजमान है। नाद और जोत दान पव देंदे है, साडे कर्मा मुताबक थोड़ी बहुत ही पूंजी जरूर मिलती है। जिस तरह महाराज सावण कहिंदे हुंदे सी कि मियाँ बीबी नूं भी इको जिहा अनुभव नहीं हुंदा गा, क्योंकि दोनों के इको जैसे कर्म नहीं हुंदे गए। जिस तरह कोई लंप तैयार है,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਪੁਰਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੰਪ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਲਪੁਰਜੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਮਿਲਾਪੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕਲਪੁਰਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਹਸ ਗ੍ਰਾਹ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਸਾਹਸ ਗ੍ਰਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਤਲਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਖੋਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਬਿਲਾਵਲ, ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਪੰਨਾ 835। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਣ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਣ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਸਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਘਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਘੱਟ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਮਝਿਆ। ਕਠਿਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟੇ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਵੀ ਸਨ, ਮੋਹਨ ਔਰ ਮੋਹਰੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਝਗੜਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ
कि तू गुरु बन के कितना को खुश है। मैं उसनु प्यार ना दस्या कि अगर तू मेरे वाले था होवे या मेरे अंदर नु समझदा होवे, मैं तेनु फेर दसा कि मैं कितना खुश है। मेरी खुशी जदों मेरा गुरुदेव संसार विच सीगा, मैं शिष्य रूप विच उहदा कम कर दर्शन करदा सीगा, वो उदों ही सी, हुण कोई खुशी नहीं। हुण तां पराए दुख गल पा के तड़फना पैंदा है। मैं कदे कदे उभराए ना बात करदा हुंदा इस मसले ते कि प्यारिया, जे मैनूं इह पता हुंदा कि मैथों मेरा गुरुदेव कम लेगा, तो मैं बड़ा ही भरोसे वाला सीगा कि जिसनूं ना मिलता है, जिहदा गुरु ते भरोसा है, उहनूं वो जरूर तारदा है, जरूर वो लैण वास्ते आउंदा है। तो मैं इतनी कठिन साधना नहीं साधदा सीगा। संतां नूं खुद नूं पता हुंदा है कि किन्ने मुश्किल उहनां नूं मनाया हुंदा है, जिन्हां ने वेद दी उहनां नूं पता हुंदा है। तो उन्होंने उन्होंने अगे एक कार्यक्रम रख दिता। हालांकि देखने च मामूली बात है कि भैया चौंतरे बनाओ, सारे ने बनाए, गुरु साहब आए, ना मंजूर किया, बहुत सारे तो दूसरी दफा ही नहीं लगे, थोड़े बहुते रहे। अखीर गुरु साहब कहने लगे जगह ही ठीक नहीं है, मिट्टी ठीक नहीं, होर थां जाके बढ़ाओ। तकरीबन सारे हट हट आ गए, एक रामदास ही लगया रहा। उन्हूं भी कहन लगे, क्योंकि उन्हां दिनां च गुरु साहब की उम्र 100 साल तो उपर सी, बजुर्ग सन, कि इतने बुढ़े की अकल ही कायम नहीं रहिंदी। रोण लग पाया, कहिंदा जे गुरु की अकल कायम नहीं गई तो होर किहदी कायम हो सकती है। तुसी गुरु नूं कुछ ना कहो, मैनूं जो मर्जी कह लो। जब सब हट गए, गुरु साहब आए, कहिंदे पुरखा तेरा चौंतरा तां पहला ही चंगा सीगा, पर ये लोग फिर कहिंदे कि इन्हां ने इंसाफ नहीं किया, छाती ना लाया, भरपूर करता। मैं दसदा हुंदा कि जिहड़ा अपना कमाया धन हुंदा है, मेहनत करी हुंदी है, असीं उसनूं शराबां कबाबां दे विच बर्बाद नहीं कर देंगे। शराबां कबाबां च उह धन नूं असीं बर्बाद करदे हैं कि जिहड़ा खुद दा कमाया नहीं हुंदा गा, उहदे नाल दर्द नहीं हुंदा गा, खुद खून पसीना बहाया होवे, उस धन नूं किवें असीं अयोग वरतों विच लियावांगे। इस तरह जे खुद असी कमाई कीती होवे तो फिर असी दुनिया की मान वडियाई च या रिधियां सिद्धियां दे विच असी इस नूं किवें बर्बाद कर देंगे। फिर तो वह फरीद साहब ने कहा सी, सबर अंदर साबरी ताने मैं जे लैण, होण जी खुदाए दे ते भेद ना किसे दे। हुण जिसके अंदर इन्नी निम्रता सी, तो आप कहन लगे जब मैं गुरु अमरदेव जी के चरणों में आया, पहला उस परमात्मा की बड़ी खोज की, जंगलों च उहनूं लभिया, पहाड़ों च उहनूं लभिया, मंदरों च उहनूं लभिया, गुरुद्वारों च लभिया, धर्म ग्रंथों च उहनूं लभिया। जद कितों ना मिलिया, किसी ने दस पाई कि वह महात्मा है। जब उन्होंने आपकी जिंदगी दसी कि इतनी दफा मैं फिर आया बाहर, वो कहन लगे जी तेनू खोज है, वो बाहर तो है नहीं गा, वो तेरे अंदर है। कहन लगे उन्होंने जोड़ा वचन सी वो अंदर कहो कर गया, तीर की तरह खुब गया, क्योंकि मेरे अंदर परमात्मा के मैं वो तो बेखबर हाँ, मैं इतना वक्त बर्बाद कर लिया है। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी,
सुन गोरे बचन मन तीर लगैया, मन की बेर था मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। पुणा प्यार ना कहंदे है जी दे तीर लग्या है, कौ दा दर्द दा उस नूं ज्ञान है, दूजे नूं उस दी पीड़ दा की ज्ञान है। वो कहंदे इहदा हुण दर्द दा मैनूं ही पता है, जो गुरु दे बचन ने मेरे अंदर कहो कीता है। हाँ मन की बिरथा मन ही जाने, अवर की जाने को पीर परैया। राम गुर मोहिन मोह मन लैया, राम गुर मोहिन मोह मन लिया। हुण आत्मा कहंदी है कि मैं तो बड़ी ही समझदार सी, ताना सी, चतन सी, लेकिन जब गुरु के कहण मुताबक बाहरों ख्याल नूं हटा के अंदर तवज्जो दित्ती, उत्थे गई आत्मा। कहिंदी उस मनमोहनी मूर्त ने मेरे मन नूं खिंच लिया, अपनी तरफ मोह लिया। हुण या गुरु है या मैं है। जब गुरु अर्जन देव ते सवाल किया कि तुसी गुरु दे दर्शनां नूं की समझदे हो, तुहानूं की मिलदा है, वो किहो जिहा है, वो कहिंदे बड़े प्यार ना, सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सां, फिरदा किते हाल जे डिठा तां मन तौरा पिया। मेरा दिल करदा है कि उस मनमोहनी मूर्त नूं सदा कोल बिठा के तकदा रवां। जदों दर्शनां तों वांझे हो जाना है तो मैं बौरियां दी तरह हो जाना है। बल्कि गुरु अर्जन देवता इत्थों तक अपनी बिरह दी पीड़ दसदे है कि जद सुरत लगी तो वह कहण लगे रात नूं तू वध जा। असी कहने रात नूं जाग नहीं आउंदी गी, कहने दर्द आउंदा है। जिन्हां दीआं महाराज कृपाल कहंदे रातां बन गईआं उन्हां दा सारा कुछ बन जांदा है। जिन्हां दी सुरत लग जांदी है उन्हां नूं पुछो की तरले पाउंदे है। गुरु अर्जन देव कहंदे वध सुख रैनड़ीए फिर प्रेम लगा, घट दुख नींदड़ीए फिर सो सदा पक्का पगा। कहण लगे रात नूं तू वध जा, घंटियां दी ना रह, तू सैकड़े सालां दी बन जा, ताकि मेरा प्यारे नालों विछोड़ा ना होवे। नींद नूं कहंदे तू घट जा। सो इस वास्ते कहण लगे कि मेरे मन जड़ा सीगा, जड़ा बाहर हिरन की तरह पटकदा सीगा, वो अंदर मोहया गया, बिन्या गया जी। राम गुर मोहन मोह मन लैया, राम गुर मोहन मोह मन लैया। बिकल पई गुर देखे, हो लोट पोट होए पईया, हो निरखत फिरो सब देश देशांतर, मैं प्रभ देखने को बहुत मन चाहिया। प्यार ना कहिंदे है उत्थे लोट पोट हो गई आत्मा। कहिंदी है जद उस नूं देखिया, असी कह दिंदे आ कि जी मन विशे बकारां तों हटदा नहीं गा, शराबा कबाबा तों हटदा नहीं गा, की घाट है, असी अंदर जा के उहनूं प्राप्त नहीं करिया। जो गुरु ने सानू सबक दिता उसनू याद ना किया, तो परहेज ना किया। ऐसे लोगों नू तुसी पुछो जाके, मैं दसदा हुंदा कि उन्हां दा दृष्टिकोण ही बदल जाता है।
ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਕਤ ਫਿਰੋ ਸਭ ਦੇਸ ਦਸੰਤਰ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਨ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਮਸਤ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਿਰਖਤ ਫਿਰੋ ਸਭ ਦੇ ਦਸੰਤਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਕਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਚਾਹੀਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਓ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਵੇਦ ਮਿਲੇ ਕਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਹੋ ਨਿਰਖਤ ਫਿਰਿਓ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਣ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮਨ ਚਾਹੀਆ, ਮਨ ਤਨ ਕਾਟ ਦਿਓ ਗੁਰੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਖਈਆ। ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਵਾਰੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵੀ ਵਾਰਤਾ ਤਨ ਵੀ ਵਾਰਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨ ਵਾਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਸ਼ੇ ਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਅੰਦਰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ ਕਿ ਮਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੋ ਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਵਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਭਜਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਵਾਰਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਤਨ ਕਾਟ ਦਿਓ ਗੁਰੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਖਈਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠ ਲਗਈਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਲੱਦ ਕੇ, ਉਧਰੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਣ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠ ਲਗਈਆ, ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਦਿਓ ਚਰਣਾ ਤਲ, ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਈਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਥਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਹੈ ਜੀ।
मस्तक काट देओ चरण तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया चल चल सखी हम प्रभ पर बोदे गुण कामण कर हर प्रभ लइया भगत व चलवा को नाम कहियत है शरण प्रभ तिस पाचे पइया। होड़ा प्यार ना कहंदे है जदों आप दी आत्मा नु शांति है असी वो आत्मा दूसरियां नू भी संदेश दिंदी है कि चलो। आम कहावत है कि प्रभु भगतां दे वस है। वो कहण लगे जिस तरह मेरे ते दया कीती है तुहाडे ते भी वो दया करेगा। वो भगतां दी रक्षा करन वाला है, वो दया मेर करन वाला है। घर बार नहीं छडाउंदा, पुत्र धियां नहीं छडाउंदा, कोई कौम मजहब मुल्क नहीं बदलाउंदा गा। वो सिर्फ दया ही करदा है, दया ही करन जाणदा, वो रहम दिल है जी। भगत व चलवा को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे पइया खिमा शिगार करे प्रभ खुशियां मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। जिस तरह कोई औरत अपने पति नु खुश करने वास्ते अच्छे अच्छे गहने कपड़े पाउंदी है, खुशी मनाउंदे है, इसे तरह साडी आत्मा दा शिंगार की है, विवेक है, खिमा है, धीरज है, ये आत्मा दा शिंगार है, इहदे उत्ते ओह खुश हुंदा है। फिर दुनिया के मिलाप वास्ते भी साफ कमरे की लोड़ पैंदी है। वो केड़ा है? साफ हिरदा। जिथे काम है उत्थे नाम प्रगट नहीं हुंदा गा, बेशक वो जिन्निया मर्जी है कोशिशां कर ले। जिथे दिन है उत्थे रात नहीं, जिथे रात है उत्थे दिन नहीं गा। इस तरह कहण लगे उत्थे भी साफ कमरे की लोड़ है। ये आत्मा दी शिंगार है, खिमा है, तीर्ज है, विवेक है जी। खिमा शिगार करे प्रभ खुशियां मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। फिर उस कमरे दे विच प्रकाश दी लोड़ है, जोत दी लोड़ है। तो इस कमरे दे विच शब्द दी जोत, नाम दी जोत दा विकास करना है, शब्द नू जगाउणा है जी। शिमा शिगार करे प्रभ खुशियां मन दीपक गुर ज्ञान बलैया रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट कट पइया। इत्थे मियां बीबी मैथन भोग करदे है, वो बीमारियां दा घर है, शांति उड जांदी है। लेकिन उत्थे कादा भोग है? आत्मा दा परमात्मा विच मिलना, कतरे दा समुद्र विच मिल जाना, आत्मा दा परमात्मा बन जाना, ये उत्थों दी खुशी है, ये उत्थों दा भोग है जी। रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट कट पइया हरे 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 कंठ है बनिया मन मोती चूर वड गहन गहने
ਸਈਆ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਦਾ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਨ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਪਈਆ ਕਹਿ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਅਵਰ ਕਿਛ ਕੀਜੈ ਸਭ ਬਾਦ ਸ਼ਿਗਾਰ ਫੋਕਟ ਫੋਕਟਈਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਜ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੀ ਛੇਜ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਉਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੁਛ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਭਰਨ ਬਣਾਈ ਛੇਜਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਬਹੂ ਭਰਤੇ ਪੇਖ ਪੇਖ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਔਰਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਉੱਛਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾਵੇ ਅੱਛਾ ਅਤਰ ਛਿੜਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲੇ ਮਿਲਣ ਗਈ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਤਮਾ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਗਾ ਵਜਰ ਕਵਾੜ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਸੇ ਔਰਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਿਆ ਭਰਨ ਬਣਾਈ ਛੇਜਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਬਹੂ ਭਰਤੇ ਪੇਖ ਪੇਖ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਧੂਣੇ ਤਪਾਏ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਾ ਜੀ ਕਹਿ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਅਵਰ ਕਿਚ ਕੀਜੈ ਸਭ ਬਾਦ ਸਿਗਾਰ ਫੋਕਟ ਫੋਕਟਈਆ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੈ ਤਾਈ ਪ੍ਰਭ ਲਿਓ ਸੁਹਾਗਣ ਥੂਕ ਮੁਖ ਪਈਆ ਹਮ ਚੇਰੀ ਤੂੰ ਅਗਮ ਗੋਸਾਈ ਕਿਆ ਹਮ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਪਈਆਂ ਦਇਆ ਦੀਨ ਕਰੋ ਰੱਖ ਲੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਛਰਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੇਲੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਇਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾਈ ਰੱਖ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਨੰਗਾ ਰੱਖੇ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨੰਗਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੇਹ ਧਰੇ ਕਾ ਡੰਡ ਸਭ ਕਾਹੂ ਕੋ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਭੋਗੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭੋਗੇ ਰੋਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਈਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਰਾਤ ਹੈ ਕਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਕਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਕਦੇ ਰਾਤ ਹੈ
ਕਦੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੇ 'ਚ ਅਗਰ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਲ ਬਣਾਈਏ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਦਇਆ ਦੀਨ ਕਰੋ ਰੱਖ ਲੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸਮਈਆ।